हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव वर्मा ब्लॉग। सो फ्रेंड, यहाँ पे हो रही है तैयारी मेरे मायके जाने की, जो कि मैं यहाँ पे अपनी साड़ियाँ वगैरह निकाल रही हूँ कि मुझे क्या क्या लेकर जाना है, कौन सी साड़ी लेकर जानी है वो। लेकिन मैं फाइनल जो भी मैं सिलेक्ट करूँगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा दूँगी। तो यहाँ पे एक पर्स निकाल, सबसे पहले जो आपने देखा ब्राउन कलर का, एंड हील निकाली है। ये वाली हील मैंने कैंसिल कर दी थी, पेंसिल हील मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा डर टाइप लगता है कई बार, तो इसलिए मैंने इसे हटा दी थी। वैसे ये वाली निकाली थी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी मतलब दूसरी हील मैं पहनती हूँ, वो शायद आपने देखी भी हो। तो फिर उसके साथ की ही गोल्डन, वो मेरी शादी की एल्बम थी। एंड ये सारी साड़ियाँ हैं जो कि इसमें से मैं अभी देख रही हूँ कि मैं कौन सी लेकर जाऊँ। तो एक बैग जो है मैंने इस बेड के अंदर ही रखा हुआ, इतना बड़ा, जो कि मैं शादी में लेकर आई थी। तो इस बैग में मैं साड़ी अपनी इस टाइप से रख देती हूँ, पैक या अनपैक हो जो भी हो, साड़ी इस टाइप से मैं इसमें रख देती हूँ, ज़्यादा सेफ रहती है। एंड बैग भी साफ़ सुथरा इसमें रहता है, तो आपके पास कोई बैग हो तो इस टाइप से रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी जो पायल है कितनी ज़्यादा गंदी है, खाली पड़ चुकी है, तो मैं इसे क्लीन करने वाली हूँ। क्लीन करके मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी। सर, यहाँ पर मेरे एक पार्सल आया था अमेजोन से, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अभी, तो मैंने क्या मंगाया है। एंड मेरे 3-4 पार्सल आए थे, पर एक एक पार्सल का जो है मैं आपको दिखा दूँगी किसी वीडियो में ऐड कर करके, या फिर मैं आपको एक वीडियो ही बना दूँगी बाद में कभी। लेकिन अभी मैं सिंगल पार्सल आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अभी आया था तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। यहाँ पे मैंने मंगाई हैं दो चीज़ें हैं इसके अंदर, एक केज किंग ऑयल है एंड ये है मेरा एक नाइट क्रीम जो कि है लोरियल का। यह 30+ से बाद भी यूज़ करते हैं, पहले भी। तो यहाँ पे केज किंग ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेयर फॉल को रोकता है, तो इसलिए मैंने, हेयर फॉल हो रहा है मेरा काफ़ी एंड मेरे हेयर भी थिन हो चुके हैं, इसलिए मैंने केज किंग मंगाया है। इसके बारे में मैंने बहुत सुना है एंड मेरी मम्मी ने भी यूज़ करती थी पहले, मैंने भी थोड़ा बहुत यूज़ किया है। तो फिर यहाँ पर मैं दो लीफ काट कर लेकर आई थी अपने छत के ऊपर, मैंने लगा रखी है एलोवेरा लीफ तो ओरिजिनल, तो यहाँ पर लेकर आई थी, जो कि मैं यहाँ पर अब लगा रही हूँ अपने फेस की क्लीनिंग के लिए। तो अपने जो फेस के हेयर है मैं वो हटा लूँगी, इस तरीके से लगाऊँगी पहले, एंड उसके बाद मैं शेव करूँगी बहुत अच्छे तरीके से अपने फेस को, नेक को। एंड उसके बाद जो भी एलोवेरा बचेगा उसे मैं अपने हेयर में लगाऊँगी, लेकिन उसे ग्राइंड करने के बाद। तो अगर आपके हेयर में डैंड्रफ वगैरह है, जिसके हेल्प है, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, सब चीज़ों को ये रोकेगा, डैंड्रफ को ये ख़त्म कर देता है। तो देखिए मेरा जो फेस है इसके बाद कितना क्लीन एंड क्लियर लगेगा जब मैं इसे शेव कर लूँगी। तो आप इसे टाइप से शेप भी कर सकते हैं, या फिर अपना नेचुरल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे बेसन हल्दी वगैरह होता है इस टाइप से, उससे भी काफ़ी हद तक रिमूव होते हैं हेयर, लेकिन एक बार में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसे आपको कुछ लॉन्ग टाइम तक करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन यहाँ पर मैं अभी शेव कर रही हूँ अपने रेजर से। ये फेस रेजर है टिंकल का, आप अमेजोन पर सर्च करके बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इससे मैं शेव कर लूँगी अपने पूरे फेस को, जो भी हेयर है मेरे हेयर में, मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा हेयर है ब्लैक ब्लैक, इससे जो मेरा फेस का लुक था काफ़ी डल दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने शेव किया। उसके बाद मेरा फेस का लुक काफ़ी ब्राइट एंड क्लियर हो गया, देख सकते हैं आप कितने काले काले बाल निकल रहे हैं, नीचे जहाँ तक बाल जा रहे हैं वहाँ देख सकते हैं। लेकिन आपको जब ये शेव करना होगा तो उस टाइम आपको बिल्कुल फ्री माइंड एंड बिल्कुल फ्री होकर बैठना होगा, धीरे धीरे स्लो स्लो करके आपको शेव करनी होगी। तो इस टाइप से मैं एलोवेरा लगाया मैंने, उसके शेव किया। आप कोई फेशियल ऑयल एंड मॉइस्चराइजर लगा के भी शेव कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो, और कोई हार्ड बाल वगैरह नहीं आते हैं इसे। मैंने पहले भी किया हुआ है एक दो बार, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, जब मुझे थोड़ी नीट लगती है तो मैं कर, बहुत डल फेस हो जाता तो मैं कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा एलोवेरा ड्राई हो रहा था, उसके बाद मैंने और लगाया एंड उसके बाद में शेव करना कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड जो फ्रेंड रेजर है उसको आपको बहुत हल्के हाथों से पकड़ना होता है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड ना पकड़े एंड बहुत ज़्यादा फास्ट ना करें। यहाँ पे मैंने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ, तभी आपको इतना स्लो दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने बहुत स्लो स्लो किया था तो चिन एरिया पे बाल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वहाँ के बाल एंड चिक्स के बाल, अपर लिप्स एंड थ्रेडिंग भी कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल हो तो, या फिर बहुत आराम तरीके से आराम से एंड थोड़ा सा अपने थ्रेडिंग करते हुए आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे से पकड़ना होगा अपने थ्रेड को एंड अपने थ्रेडिंग को। तो इससे बात आप इसे रेजर से कर सकते हैं बिल्कुल हल्का हल्का, बस जो शेप है वो क्लियर तो मैं नहीं कर पाती हूँ, क्लीन तरीके से नहीं कर पाती, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक हो जाती है मेरी आईब्रो।
तो यहाँ पे देखिए मैंने थ्रेडिंग जो है वो हो चुकी है, मैंने की है थोड़ी बहुत, मैंने कर ली है क्योंकि मुझे मायके जाना था, थोड़ा सा लुक अपना फेस का चेंज करना ही था। और फिर यहाँ पर मैं अपनी साड़ी दिखाने वाली हूँ जो कि मैं दिवाली के दिन पहनी थी। तो यहाँ शेव करने के बाद मैं एलोवेरा लगा ले रही पूरे फेस पे, नेक पे, चिक्स पे। इससे बड़ा ना जो फेस की झुर्रियाँ होती हैं, रिंकल्स होते हैं, डाक दाग धब्बे होते हैं, सब चले जाते हैं। तो आपको पर डे अगर आप नेचुरल एलोवेरा लगाते हैं तो आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत अच्छा ग्लो आता है, बहुत ज़्यादा क्लियर क्लीन हो जाती है आपके फेस। एंड इसे हैंड फीट कहीं भी यूज़ कर सकते हो। बचा था मेरा एलोवेरा, उसे मैंने ग्राइंड करके एक बाउल में ले लिया है। अपने हेयर को ओपन करके मैं लगा लूँगी पूरे हेयर में, स्कैल्प में। इससे आपकी हेयर ग्रोथ अच्छी होती है, इससे स्कैल्प प्रॉब्लम दूर हो जाती है। एंड जो आपके हेयर किसी कई घुंघराले होते हैं, वह कर्ली होते हैं हेयर, वो भी स्ट्रेट होने शुरू हो जाते हैं। अगर इसे अच्छे तरीके से आप एक बार लगा लो तो आप देखोगे, उसे आपको 2 से 3 घंटे रखना है अपने हेयर में, उसका वॉश करके देखेंगे तो आपके काफ़ी हद तक हेयर जो है स्ट्रेट लुक में आ जाएंगे, बिल्कुल शाइनी एंड सिल्की हो जाएंगे। लेकिन आपको जिस टाइप से मैं लगा रही हूँ उस टाइप से लगाना है, एक एक स्ट्रेंथ लेनी है एंड उसे अच्छे तरीके से डीपली तक उसे अच्छे से उसमें लगाना है। इसमें चाहे तो आप लेमन कुछ ड्रॉप डाल सकते हैं, कोई ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो मैं इसे अभी मेरे पास बहुत क्वान्टिटी भी नहीं थी तो मैंने जितना था मैंने उतना ही लगा लिया अपने हेयर में, क्योंकि मुझे हेयर वॉश करना था। वैसे तो मैंने एग लगाना था एक पैक, लेकिन उस दिन आई थिंक मंगलवार था इसलिए मैं नहीं लगा पाई। तो मैंने जिस दिन मैं जा रही थी मायके उस दिन मैंने सेम डे लगाया था एग मास्क। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी मैंने उससे थोड़ा, जब मैंने रेडी किया था एग मास्क को तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको जल्द ही। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मैं लगा लूँगी एंड इसे टाई कर लूँगी। इसको बन बना के आपको छोड़ देना 2 से 3 घंटे तक। आप चाहे तो शावर कैप पहन लें, चाहे तो आप छोड़ दें ऐसे ही। एंड इसके बाद शैम्पू कर सकते हैं, चाहे तो आप नॉर्मल वाटर से भी वॉश कर सकते हैं अगर आपके हेयर बहुत गंदे नहीं है तो। तो यहाँ पे देखिए मैंने पॉलीथीन पहन ली है अपने हेयर में एंड यहाँ पर टेबल बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था सब कुछ करते करते, तो सारी चीज़ें मैं हटा रही हूँ। ये पूजा की थाली थी नवी वाली न्यू, तो इसे भी हटा रही हूँ अभी, सबको हटा के बिल्कुल क्लीन कर दूँगी मैं इसे। एंड थोड़े से मैं झाड़ू से लगा दूँगी, शाम का टाइम हो गया था। ये देखिए पूरा क्लीन कर रही हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पे मेरी पूरा क्लीन हो चुका है, सारी चीज़ें मैं अपनी जगह पे रख दूँगी जहाँ की थी वहाँ पे। तो देखिए मैं क्या लेकर आई हूँ, ये चेरी के फ्लावर थे तो ये मैं लेकर आई थी बहुत टाइम पहले। एक मैंने बाहर रखा था, एक मैंने अपने रूम में रखा था। तो जो बाहर वाला थोड़ा सा जो बच्चे आते हैं वो अपने मुँह में डाल लेते हैं इसे, तो मुँह में ले लेके इसे काफ़ी हद तक इसे ख़राब कर दिया था। तो मैंने दोनों चीज़ें अपने रूम के भी लाके यहाँ पर रख दिए मैंने दोनों, ताकि दोनों अच्छे लगे, तो यहाँ पर रख दिया मैंने। और एक गिलास के जो कवर होते हैं वो रखे हैं, ग्लास को चाय वगैरह को कवर करने के लिए रखे हैं, रिमोट रखा टीवी का। तो देखिए मेरा पूरा टेबल बिल्कुल क्लीन हो चुका है, कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। आप देखिए था धुंधला दिखाई दे रहा था, अब देखिए वो क्लीन दिखाई दे रहा है, बिल्कुल टेबल क्लीन है। इस फ्रंट जो ऊपर का कांच था वो टूट चुका है, तो जल्दी हम देखेंगे अगर हम ले आ पाए थे, हम लेकर आएंगे इसका कांच ऊपर का, लेकिन टूट गया था गिर कर। तो मैं झाड़ू लगा लूँगी एंड उसके बाद मैं अपनी साड़ी आपको दिखाती हूँ। ये बाहर का एरिया है जिसे बोलते हैं गैलरी, वहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो ये देखिए पुरानी मेरी साड़ी मैंने निकाली है, निकाली थी दिवाली वाले दिन जो कि मैं पहननी थी, इस टाइप से है ये साड़ी। मुझे अभी दिवाली में काफ़ी कुछ आपके साथ शेयर करना है, मैं किसी भी अपनी जो भी मैं वीडियोस आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँ उसमें बीच में थोड़ा थोड़ा ऐड करती जाऊँगी। तो ये वाली साड़ी है, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर साड़ी है, देखिए मैंने नहा कर वेयर कर ली है इस टाइप से, मैंने हेयर वॉश किया हुआ तो इस टाइप से लग रहा है लुक। अभी मैं बाहर जाके आपको दिखाती हूँ फुल लुक अपना फाइनल हेयर टाई करने के बाद भी। तो देखिए
मुझे सुंदर लगी साड़ी काफ़ी। तो यहाँ पे देखिए मैं बाहर आ चुकी हूँ, यहाँ पे कोई और मेरा व्यू ले रहा है। तो ये देखिए इस टाइप से मैंने साड़ी बांधी थी। फिर पल्लू मैंने ऊपर रखा है, लेकिन जब मुझे काम करना था तब मैंने टाइट कर लिया था पल्लू। सो फ्रेंड कैसा लगा आज का व्लॉग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को एंड प्लीज़ लाइक कर दें मेरी वीडियो को। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक लव यू ऑल।